सबसे पहले आदर्श जी, आदर्श प्रोडक्शन और उड़ीसा के वासियों को मेरा सादर नमन, क्योंकि ये उनका ही प्यार है जो मैं बार बार यहाँ पर आती हूँ और इस बार भी उनके प्यार ने मुझे खींच लाए। और इस बार का जो स्पेशलिटी थी वो स्वर्गीय लता मंगेशकर जी और स्वर्गीय बप्पी लहरी जी के थीम थी, उनको हम श्रद्धांजलि दे रहे थे। और तो कुछ सोलोज रखे थे लता जी के और कुछ बप्पी जी के। स्पेशल अट्रैक्शन थे हमारे बीच लेजेंडरी सिंगर शबीर कुमार जी, तो उनके साथ भी गा करके, बहुत साल पहले मैं गाई थी उनके साथ, कल गा करके और मज़ा आ गया उनके साथ गा करके। और सबसे अच्छी बात ये रही कि रात को शो 11 बजे तक चलता रहा है और कोई जाने का नाम नहीं ले रहा था, सबसे अच्छी बात थी। मैं गुरुजी के बारे में यही कहना चाहूँगी, जब मैं पहली बार 2016 में 22 नवंबर को शो करने आई थी, तब मेरा गज़ल का शो हुआ था, मैं बैठ के गा रही थी स्टेज पर, रविंद्र मंडप में ही हुआ था, जैसे कल रविंद्र मंडप वही स्टेज था, और दूर से एक इंसान चल के आ रहा था, तो बस मुझे लगता कहीं ना कहीं ये कुछ बहुत ही ग्रेट आर्टिस्ट होंगे ये। वो आकर के चुपचाप बैठे और वो 2.5 घंटे तक बैठे रहे, उसके बाद मुझे पता चला कि वो प्रफुल्लकर जी हैं, ठीक है। तो वहाँ से मेरा उनके साथ नाता जुड़ा, उन्होंने मेरी काफ़ी तारीफ़ की थी और अपनी बच्ची जैसे मुझे मान रहे थे, अपने घर बुलाना, अपने कॉम्पोजिशंस को सिखाना। तो ये हम म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए और जो जो लोग उनसे जुड़े हैं सबके लिए शॉकिंग न्यूज़ था कि उनका चले जाना। हाँ, ये सच बात है कि जो इंसान आया है उसे जाना है, लेकिन कुछ लोग बहुत प्रिय होते हैं, उनका चले जाना खल जाता है। और उनके घर में मैं अभी भी गई थी तो उनके दोनों बेटे, मतलब ऐसे छोटे बच्चे जैसे फूट फूट करके, उनका रोना देख करके बहुत अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन क्या बोल सकते हैं। 2019 में मैंने एक मूवी में गाई हूँ, बाजी गोला शहनाई, सहनाई होगा शायद, ओके। तो वो पिक्चर आपको पता है कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें रुक गई थी, तो वो आई थिंक वो जून में रिलीज़ होने जा रही है। तो उसमें मैंने पहली बार आइटम नंबर गाया है, जो कि मेरी मेलोडियस वॉइस है तो मैं मीठे मीठे गाने ज़्यादा गाती हूँ, तो पहली बार लोगों को आइटम नंबर उड़िया में और एक डुएट उदित नारायण जी के साथ गाई हूँ और एक सोलो गाई हूँ, तो वो रिलीज़ होने जा रही है।